नमस्कार, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक एक साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरा माहौल देख सकते हैं गरमाया हुआ है। जंतर मंतर से आपको लाइव जोड़ा है और पूरा नजारा दिखाने की कोशिश भी हम करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा माहौल किस प्रकार से गरमाया हुआ है। सभी हमारे पेंशन धारक एकजुट हो चुके और सरकार की नाकों में दम कर दिया है। दोस्तों, इससे आगे क्या रणनीति तैयार की गई है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या रणनीति तैयार की गई और किस प्रकार का माहौल जंतर मंतर पर बना है और किस आधार पर हमारे जो पेंशन धारक है दोस्तों, उनकी अब आगे रिवीजन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आने वाले हर अपडेट के लिए और तुरंत हम आपको जोड़ते सीधे जंतर मंतर से लाइव पेंशन धारकों के साथ। केरल में सभी जो पूर्व सैनिक भाई हो जो है अलग अलग संगठन का है, केरल में जो अलग अलग संगठन का है सभी पूर्व सैनिक भाइयों जो है एक साथ अभी इस आंदोलन में अपना सैनिक संघर्ष समिति को समर्थन करता है और एकजुटता करता है। और हम जब तक ये जो आंदोलन चलेगा और इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा तब तक इनके साथ ही रहेंगे। भारतीय जवान किसान पार्टी जो जवानों ने बनाया, जवान के लिए बनाया, वो जवान के लिए लड़ेंगे, जवान के लिए मरेंगे। 3 तारीख की जो आपने कॉल दी हुई है उसकी क्या तैयारी है? हाँ जी बिल्कुल, जो 3 तारीख का अभी हमारे जो साथी दूसरे स्टेटों से हमारे को कॉल कर रहे हैं कि आप यहाँ कब तक बैठेंगे। अभी हम बैठेंगे यहाँ संकेतक, लेकिन जहाँ ये हमारी वर्कशॉप है जहाँ से हम ट्रेनिंग दे के भेज रहे हैं लोगों को, जाओ अपने अपने एरिया में जाके यहाँ से ट्रेनिंग लो और वहाँ पर भी जाके तैयार करो अपने ब्रिगेड, तो वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। और 3 अप्रैल वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है पूरे देश के सारे हरेक जिले के साडे साबका सैनिक जेड़े इकट्ठे होएंगे और शहर के मार्च करेंगे ताकि आम पब्लिक को भी पता लगे कि हमारे फौजी, हमारे साबका सैनिक, इनके साथ सरकारां कैसे दुर्व्यवहार कर रही ने। ये अपनी हकी मंगा वास्ते रोडों के उपर घूम रहे हैं और रोडों हरेक शहर के रोड मार्च किया जाएगा और DC जेड़े हरेक DC मैंबर दिता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो सरकार है आपको एक महीना होने जा रहा है, आज आपका 26वां दिन है, तो सरकार है वो आप लोगों से बात क्यों नहीं कर रही है? सर मैं आपको बताया ना, संख्या बल सरकार को